मीठे बाबा आज हमें कहते हैं कि हम बाबा के बच्चे बने हैं, है ना। वैसे तो हम भगवान को मानते आए हैं बहुत समय से, लेकिन अब हम प्रैक्टिकल में बाबा के बच्चे बने हैं। शिव बाबा हमें ब्रह्मा मुख से अडॉप्ट कर बच्चा बनाकर सत्युग के वर्षे का अधिकारी बना रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, हमें वरदानों से, श्रीमत से हमारी सदगति कर रहे हैं। आप इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि दुनिया में तो मनुष्य भगवान को ढूंढते हैं या मानते हैं, पर बाबा तो हमारे लिए, बाबा हमें अडॉप्ट कर पालना देकर दैवी गुणों संपन्न बनाकर दैवी सृष्टि के लायक बना रहे हैं। बाबा हमें सत्युग का वर्षा नहीं दे रहे सिर्फ, लेकिन सत्युग के लायक भी बना रहे हैं, है ना। क्योंकि आप देखो, पिता सिर्फ ये नहीं करता कि प्रॉपर्टी दे दे, अगर बच्चा लायक ना हो तो उसका क्या करेगा, प्रॉपर्टी को भी है ना वेस्ट कर देगा। तो बाबा हमें वर्षा भी देते हैं सत्युग का, और लायक भी बनाते हैं। मीठे बाबा हमें पढ़ाते हैं, ऐसा बनाते हैं कि हमें किसी से कोई राय की आवश्यकता नहीं पड़ती, इतना समझदार बनाते हैं। बाबा हमें श्रीमत देते हैं, एक एक डायरेक्शन पर चलने से हम श्रेष्ठ बनते जाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चे जो डायरेक्ट बाबा की पालना में पल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो गति सदगति ले रहे हैं, हम बच्चों की निशानी क्या होनी चाहिए, सदा खुशी, है ना। और खुशी भी कैसे दिखाई देती है, खुशी वाला क्या करेगा, सारे दिन जोर जोर से हंसता रहेगा क्या, हा? क्योंकि अगर देखो तो वैसे अज्ञान काल में तो बहुत जोर जोर से हंसते भी होंगे, लेकिन बाबा के बनने के बाद तो जोर जोर से हंसना भी बंद हो जाता है। तो खुशी वाला तो मुस्कुराता है सिर्फ, जोर जोर से हंसना भी देहाभिमान होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चों की निशानी है सदा खुशी, लेकिन खुशी दिखाई कैसे देते हैं, तो खुशी दिखाई देती है उल्लास के रूप में, हमेशा उमंग उत्साह, कभी भी ऐसे ढीला नहीं, है ना। बाबा कहते हैं उदासी नहीं, हमेशा उमंग उत्साह, तब समझेंगे कि हाँ इस बच्चे में सदा खुशी है। खुशी जैसे आत्मा के लिए खून है, है ना। तो जिसमें खून अच्छा होता है शरीर में, तो शरीर क्या बहुत ताकत वाला होता है ना, बहुत अच्छा एक्टिव रहता है। ऐसे आत्मा हमेशा एक्टिव रहे, उसको कहेंगे हाँ ये खुश है। अब बाबा हमें कहते हैं कई ऐसे बच्चे हैं जो बाबा के बने, सुख के सागर के संतान बने, लेकिन सदा खुशी नहीं रहते। कौन कौन है जिनको सदा खुशी रहते, सदा उमंग उत्साह में रहते, कोई है हम सदा उमंग उत्साह में रहते, कभी एनर्जी डिप नहीं होती, है ना। तो कोई कोई है, पर कोई नहीं भी है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये खुशी क्यों गायब होती है, इस बात को अभी समझना है। तो बाबा दो कारण मुख्य बताते हैं खुशी गायब होने के। पहले बाबा कहते हैं ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठा नहीं है ना, ज्ञान का कनेक्शन खुशी से है, क्योंकि ज्ञान रत्नों से कमाई होती है, ज्ञान से कमाई होती है और कमाई से खुशी होती है। तो बाबा कहते हैं जिनकी बुद्धि में ज्ञान ठीक से बैठा नहीं है तो उनको खुशी नहीं होती। अब ज्ञान ना बैठना माना क्या,
तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये कि बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, मैं आत्मा। आज शुरू में बाबा क्या कहते हैं, ओम शांति का मंत्र, मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर है, मैं अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। ज्ञान मिल गया सबको, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। लेकिन इस ज्ञान का इम्प्लीकेशन क्या है, है ना, इस ज्ञान का इम्प्लीकेशन क्या है। जैसे आप देखो केमिस्ट्री में पढ़ लेते थे, ये वाले केमिकल में ये प्रॉपर्टी है, है ना, पर जाकर उसी केमिकल को उल्टा पुल्टा मिक्स करके और एक्सीडेंट करते थे। तो पढ़ा है, थ्योरी में तो मालूम है, लेकिन प्रैक्टिकल में गड़बड़ हो जाती है। तो बाबा हमें ज्ञान क्यों देते हैं कि मैं आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी। इसका मतलब है कि देखो, जब हम संबंध की बात करते हैं तो संबंध किसके हैं, आत्मा के हैं। हाँ, आत्मा का तो एक ही संबंध है, भाई भाई का। बाकी संबंध किसके हैं, ये मात पिता, बंधु सखा, है ना, ये मेरे युगल, ये मेरे बच्चे, ये शरीर के संबंध हैं। तो शरीर, शरीर के संबंध, शरीर की प्राप्तियाँ, है ना, जिनको हम कहते हैं मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, तो वो क्या आत्मा का टाइटल है क्या? नहीं, शरीर का। तो शरीर के लेबल, टाइटल, शरीर का पद, पोजीशन, शरीर खुद और शरीर के संबंध, ये सब क्या है, विनाशी है। जैसे शरीर विनाशी है, ऐसे शरीर का भी सब कुछ विनाशी है। क्योंकि जब शरीर ही नहीं रहेगा तो वो सारी चीज़ें भी नहीं रहेंगी, है ना। आज आप जिस पोजीशन पे काम कर रहे हैं ऑफिस में, वो पोजीशन तो रहेगी पर वो आपकी रहेगी जब शरीर विनाश हो जाएगा, वो नहीं रहेगी, है ना। तो जिसको भी हम मेरा 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 करते हैं, वो सब कुछ क्या है, शरीर सहित वो सब विनाशी है। अब बाबा हमें कहते हैं कि अगर उन सब चीज़ों के आधार से हम खुश हो रहे हैं तो फिर वो खुशी भी विनाशी हो जाती है, है ना। विनाशी चीज़ों से, विनाशी शरीर से, विनाशी संबंध के आधार से जो प्राप्ति होती है वो भी विनाशी होती है। अगर हम इस भौतिक संसार में सुख की अनुभूति कर रहे हैं, शांति की कर रहे हैं, प्यार की कर रहे हैं, तो वो सुख शांति प्यार भी विनाशी हो गया, क्योंकि वो विनाशी सोर्स से आता है। इसीलिए बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, जिसका बुद्धियोग विनाशी शरीर, विनाशी संबंध, विनाशी पद पोजीशन, विनाशी प्राप्तियों के साथ बुद्धियोग है, तो अंत में विनाश काल में वो सब कुछ विनाश हो जाएगा और फिर जो भी आपकी प्राप्ति है उसके आधार से वो भी विनाश हो जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं जिनकी विपरीत बुद्धि है बाबा से और जिनकी विनाशी दुनिया से प्रीत बुद्धि है, वो अंत काल में विनाश का अनुभव करेंगे। उनको ऐसा लगेगा मेरे से सब कुछ छिन रहा है, क्योंकि उनका लगाव किससे है, जो विनाशी है ना। अब कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य कहता है कि देखो, विनाशी के साथ साथ एक और क्वालिटी है विनाशी दुनिया की, वो क्या है, परिवर्तन, है ना, परिवर्तनशील भी है संसार। लेकिन कई बार मनुष्य को कहो कि आज संबंध अच्छा है, कल परिवर्तन हो जाएगा, तो कहता है शुभ शुभ बोलो, है ना, आप क्यों सोचते हो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। लेकिन सत्य ये है कि परिवर्तन भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है
क्योंकि कम से कम बीच में होश तो आ जाएगा कि किससे दिल लगा कर बैठे हैं। लेकिन अगर परिवर्तन भी ना हो, परिवर्तन हो जाएगा ये समझे, ये तो बहुत शुभ बोलना हुआ। लेकिन अगर परिवर्तन भी ना हो और अंत तक ये शरीर संबंध सब अच्छे अच्छे बने रहें, प्यार सुख देते रहें, तो अंत में तो विनाश हो जाएंगे, तो कितना धोखा लगेगा, है ना। क्योंकि जो चीज़ इतने समय तक प्रेडिक्टेबली चलेगी, उसके साथ जो अटैचमेंट रखेंगे, फिर अंत के समय पर जो छूटती है, तो कितना आत्मा को दुख का अनुभव होगा। तो बाबा हमें इसीलिए समझाते हैं कि तुम आत्मा अविनाशी हो और ये देह और देह की दुनिया विनाशी है। बाबा हर बात इशारे में समझाते हैं, है ना। अगर हम उस इशारे को नहीं पकड़े और उसका मंथन ना करें, तो कई बार ऐसे ही जैसे, है ना, तोते की तरह रटते रहेंगे, मैं आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी, लेकिन बुद्धि में कुछ भी बैठ नहीं रहा, है ना। फिर लगाव झुकाव सब उसी देह की दुनिया के साथ चल रहा है। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं। अब बाबा हमें क्या कहते हैं कि तुमने ऐसे, ये जो शरीर में तुम बैठे हो ना, ऐसे तो तुमने 84 शरीर लिए हैं और छोड़े हैं। हाँ सोचो, और हर शरीर के साथ पूरा पैकेज आता है ना। शरीर का ऑक्यूपेशन, शरीर का धर्म, शरीर के संबंध, शरीर के साथ मकान दुकान सब कुछ, है ना। ऐसे 84 तुमने लिए हैं और छोड़े हैं, है ना। और आज सोचो, जो सबसे पतित है उसके साथ आज कितना लगाव है। 84 जो सेट ऑफ शरीर संबंध हमने लिए, आप सोचो, सत्युग में जो हमारा शरीर था, संबंध था, प्राप्तियां थी, वो भी एक जन्म शरीर छूटा तो परिवर्तन हो गई, फिर दूसरा शरीर मिला, दूसरे संबंध मिले। तो लेकिन उस समय जब हम सतोप्रधान थे और जब प्राप्ति अकिचार थी, तब तो उससे दिल नहीं लगाया, तब तो हमारे अंदर मोह का संस्कार नहीं था। और आज आप सोचो, जो शरीर, जो संबंध, जो प्राप्तियां मेजॉरिटी समय दुख देते हैं, उनके साथ हमने कितना दिल लगा रखा है। है ना। तो बाबा हमें कहते हैं, ये भी वंडर है कि सबसे पतित जो शरीर और संबंध और पूरा जो सेट है, पैकेज है, उसके साथ तुम्हें सबसे ज्यादा अटैचमेंट है। तो बाबा अब हमें कहते हैं कि ज्ञान को समझो। और ज्ञान क्या कहता है कि विनाशी से दिल लगाएंगे तो विनाश काले विनश्यन्ति हो जाएंगे। इसीलिए विनाशी से अब दिल हमें हटाने हैं। और दिल कैसे हटती है? दिल समझ से हटती है ना। जितना रियलाइजेशन होता जाता है तो दिल हटती जाती है। आप देखो, जैसे दुनिया में देखो, किसी का शरीर छूटने वाला होता है, तो जब समझ में आ जाता है ना पूरी तरह से कि अब ये जाने ही वाले हैं, तो दिल हट जाती है ना। थोड़ा समय लगता है, लेकिन जैसे जैसे बुद्धि में बैठ जाता है कि अब ये जाने ही वाले हैं, तो जैसे बुद्धि भी उपराम हो जाती है। तो बाबा कहते, ज्ञान को बुद्धि में ठीक से बिठाना है और ज्ञान नेत्र से देखना है कि किसके चक्कर में पड़े हैं, है ना, किसके पीछे हम बलिहार हो रहे हैं, किसके पीछे हम किस चक्कर में पड़े हैं। और वो जो चक्कर है वो तो हमें ले डूबेगा, तो उस चक्कर से निकलना है। फिर बाबा हमें कहते कि मैं परमपिता परमात्मा तुम्हारा सर्व संबंधी, तुम्हें सर्व प्राप्ति कराने वाला बाप, परम धाम से आया हुआ हूँ, है ना। तो ये भी ज्ञान है। ये ज्ञान हमें बाबा देते हैं कि मेरा बाबा, जैसे मैं आत्मा हूँ, ऐसे मेरा एक बाबा है।
और मुझ आत्मा के 63 जन्मों के विकर्म विनाश करने, मुझे सर्व प्राप्तियां कराने, सर्व संबंधों का सुख देने मेरे बाबा आए हुए हैं। तो जब ये ज्ञान बुद्धि में रहता है तो आत्मा क्या करेगी, एक बाप की याद में रहेगी और एक बाप की मत पर चलेगी। तो बाबा कहते ये ज्ञान भी बुद्धि में, देखो बाबा हमें स्लोगन समझाते, अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। हम भी बहुत अच्छा कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, लेकिन क्या अभी नहीं तो कभी नहीं समझ में आता है। बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि पूरे 5000 वर्ष में ये एकमात्र समय है संगम युग, जब मुझ आत्मा का मिलन शिव बाबा परम पिता परमात्मा से होता है। बाबा खुद आकर परम धाम से मेरे सम्मुख बैठते हैं, मुझे पढ़ाते हैं, मुझे झोली भरते हैं, वर्षा देते हैं। तो बाबा कहते ये समय किस, कौन सा समय है, ये समय है बाप से प्रीत बुद्धि होकर अपनी झोली भरने का समय है, है ना। जब आप सोचो कोई बड़ा आदमी, दुनिया का भी नामी ग्रामी आदमी आपके घर आया हुआ हो, तो उस समय आप किसी और को देखेंगे और किसी को अटेंड करेंगे, हाँ उस समय कहेंगे चलो आप तो यही हो ना, आप थोड़ा शांत रहो, अभी इनको अटेंड करते हैं, क्योंकि ये तो बड़ी बात है। तो बाबा कहते हैं ये संगम युग इस पूरे कल्प में वो समय है, जब वो एकमात्र समय है जब बाबा आकर हमारे पास बैठे हैं और पूरे अगले कल्प की कमाई करने का, पूरे इस कल्प के पूरे विकर्म विनाश करने का ये एकमात्र समय है, झोली भरने का एकमात्र समय है। तो ये ज्ञान बुद्धि में बैठे तो हम क्या करेंगे, एक बाबा से प्रीत बुद्धि रखेंगे ना, एक बाबा दूसरा ना कोई, एक बाबा की याद, एक बाबा से प्यार और एक बाबा की मत पर चलना। तो बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान है ये हमारी बुद्धि में अभी तक बैठ नहीं रहा है ठीक से, है ना। और फिर बाबा हमें कहते हैं ज्ञान ये भी है कि अब हम सत्ययुग जा रहे हैं, अब ये कलयुग विनाश हो रहा है और सत्ययुग आ रहा है। तो ये ज्ञान जब बुद्धि में बैठता है तो हमें समझ आता है कि हमें कलयुगी संस्कार और संसार की फिक्र नहीं करनी, कलयुग में क्या चलता है क्या नहीं चलता, क्या वर्क करता है क्या नहीं करता, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब हमें वो संस्कार बनाने हैं जो सत्ययुग में काम आते हैं, है ना। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि अब हमें बुद्धि में बैठ गया है कि अब हम कलयुग से निकल सत्ययुग में जाने वाले हैं, तो कलयुगी संसार और संस्कार की परवाह नहीं करनी, है ना। कलयुग में जैसे कलयुग की न्यूज़ सुनते हैं, ये टूटा वो फूटा ये हुआ ऐसा हुआ, तो अब हाँ हाँ कुछ नहीं करना है ना, अभी क्या है, अभी ये तो जाना ही है, है ना। तो जब बिल्डिंग गिरती है तो कहते हैं अरे ये वाली ईंट भी गिरी वो वाली ईंट भी गिरी, नहीं, जो चीज़ गिरनी है उसकी क्या गिनती करनी है, वो तो होना ही है, वो तो हो ही रहा है, उसके बारे में हमें सोचना भी नहीं है। अब हमें सत्ययुग में जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के लिए हम कितने तैयार हुए, कितनी हमने अवस्था बनाई है, कैसे हमने पुण्य का खाता जमा किया है, कितने हमने सत्ययुगी संस्कारों पर अटेंशन दिया है, इस बात का हम ध्यान रखें। आप देखो ये जो समझ है ना, दुनिया में कहते फ्यूचरिस्टिक फ्यूचरिस्टिक, है ना, लेकिन फ्यूचरिस्टिक क्या है, किसी को फ्यूचर पता थोड़ी है। बाबा हमें फ्यूचर बताते हैं और बाबा हमें कहते हैं अब तुम्हें नई दुनिया की तैयारी करनी है, अब तुम्हें जाने की तैयारी करनी है और नई दुनिया में आने की तैयारी करनी है। नई दुनिया में फ़ोन होगा, हाँ फ़ोन होगा, सारे दिन फ़ोन पकड़ के बैठेंगे, हाँ फ़ोन नहीं होगा, शराब सिगरेट, हाँ ये चीज़ें नई दुनिया में होंगी,
प्याज लहसुन खाएंगे, हाँ कैसा भोजन खाएंगे? तो बाबा कहते हैं कि ये सारे संस्कार कितने बजे उठेंगे, 8 बजे सो के उठेंगे सत्ययुग में, हाँ देवताएं तो रिलैक्स रहते होंगे ना, 8 बजे सो के उठेंगे। तो हमें समझ आता है कि देवताई संस्कार कैसे होते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम प्रिपेयर हो जाओ। जैसे आप देखो कोई बच्चा हॉस्टल जाने वाला होता है ना, तो उसको कहते हैं ना कि हॉस्टल में तो 6 बजे उठा देंगे, तो यहीं से प्रैक्टिस करो, है ना, यहीं से प्रैक्टिस करो डिसिप्लिन में रहने की, हॉस्टल में कैसे चलना है, कैसे नियम से उठना है। तो वो जो सारी तैयारी है, बाबा कहते हैं अभी तो फॉरवर्ड थिंकिंग करके समझ के उस संस्कारों की तैयारी करो। फिर सिर्फ संस्कार से चले जाएंगे क्या? सत्ययुगी संसार बनाना भी तो पड़ेगा, हमें प्रजा भी बनानी पड़ेगी, हमें दैवी राजधानी भी बनानी पड़ेगी, और हमें यहाँ विकर्म भी विनाश करने पड़ेंगे, अपनी अवस्था को भी संपूर्ण पवित्र बनाना होगा। बिना पवित्र बनाए तो हम नहीं जा सकते, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं अब जिसकी ज्ञान बुद्धि में ज्ञान बैठ जाता है ना, एक तो उसको पुरानी देह और पुरानी दुनिया से कोई लगाव नहीं होता। फिर बाबा हमें कहते हैं उस आत्मा को ये समझ आता है कि मुझे बाबा की याद से पूरी झोली इसी समय भरनी है, तो वो आत्मा अपना टाइम थॉट वेस्ट नहीं करते। फिर तीसरी बात बाबा कहते हैं कि वो आत्मा सत्ययुगी राजधानी बनाने, संसार बनाने और संस्कार बनाने में अपना समय शक्ति लगाती है। तो ये है ज्ञान की बात। और खुशी कैसे होती है? श्रेष्ठ कर्मों से। तो जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, ज्ञान स्वरूप कर्म श्रेष्ठ कर्म होते हैं, क्रिएटिव कर्म, प्रोडक्टिव कर्म। तो जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, समर्थ कर्म करते हैं, तो ऑटोमेटिक खुशी होती है। फिर बाबा कहते हैं दूसरी बात, याद की यात्रा, है ना। जब याद की यात्रा होगी तो आत्मा की झोली भरेगी, बाबा पवित्रता का, शांति का, सुख का, सर्व खजानों का सागर है। लेकिन बाबा से हम झोली भरेंगे कैसे? याद की यात्रा से। अब अगर याद की यात्रा से झोली भरी हुई नहीं है तो क्या होगा? सारा ज्ञान सुन लिया, समझ लिया, लेकिन क्या करेंगे? फिर वही वस्तु व्यक्ति वैभव से ज्ञान, प्यार, पवित्रता, शांति, शक्ति मांगते रहेंगे। क्योंकि अगर खाली है आत्मा तो मांगता ही रहेगी। मुझे याद है मेरी एक फ्रेंड थी हॉस्टल में, तो वो ना डाइटिंग करती, तो डाइटिंग करती तो क्या करती, बिना खाए निकल जाती और 1-2 बजे तक कुछ नहीं खाती। फिर 1-2 बजे इतनी भूख लगती उसको कि जो भी जंक सामने आता वो खाती। तो उसको मैं, वो मुझे हमेशा कहती मुझे ना डिटर्मिनेशन चाहिए, मुझे डिटर्मिनेशन। तो मैं उसको कहती तो तुझे डिटर्मिनेशन नहीं चाहिए, तेरा मेथड ही गलत है, तुझे ना सुबह पेट भरना पड़ेगा उस चीज़ से जो अच्छी है, तो तेरे को जो चीज़ अच्छी नहीं है वो नहीं खाएगी भी तो चलेगा। लेकिन क्या है, अगर पेट भरा नहीं है अच्छी चीज़ से तो जो अच्छा नहीं है उसकी तरफ आकर्षण होगा ना। तो बाबा कहते इसी हिसाब से अगर हम याद की यात्रा पर अटेंशन नहीं देते और आत्मा की जो आवश्यकता है, आत्मा वैसे तो सत्वगुणी है लेकिन अभी तो सातों गुणों से खाली है, तो आत्मा को ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद, शक्ति तो चाहिए। अगर आत्मा बाबा की याद से अपना पेट ना भरे तो फिर क्या होगा, वो जाएगी संसार में और सोचेगी मुझे लिपायमान नहीं होना, लिपायमान नहीं होना, लेकिन थोड़ा सा प्यार मिला ना तो लिपायमान हो जाएगी, थोड़ा सुख मिला तो वहीं फंस जाएगी। क्योंकि आत्मा को अगर बाबा की याद से भरपूर नहीं हुए हैं तो लगाव से मुक्त नहीं हो सकते। आप देखो कई बार ऐसा होता है, अभी पीछे एक माता मुझे बहुत अच्छी बात कह रही थी। वैसे माता जो है वो
क्लास बहुत मिस करती है ना, कभी दिखेगी क्लास में, कभी नहीं दिखेगी, ऐसे ही चलता है उसका। लेकिन अभी पीछे ना 8 दिन लगातार क्लास में दिख रही थी, रोज आ रही थी। तो मैंने कहा कि ये परिवर्तन कैसे आया आप में? तो मुझे कहती कि देखो दीदी, बाबा एक ही है, मैं आत्मा हूँ, मेरा तो एक बाबा ही है। मैंने कहा वो तो बात ठीक है, लेकिन आपको कैसे समझ आई वो बताओ। तो मुझे कहती कि देखो दीदी, अभी क्या है, आजकल बच्चे बच्चे ना कोई किसी के नहीं है, कितना भी आप उनका कर लो वो कभी भी आपको रिटर्न नहीं देते। इतना रूडली बात किया मेरे बेटे ने, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो फिर इतना कहते कहते ही बेटे का फ़ोन आ गया, ठीक है। तो जैसे बेटे का फ़ोन आ गया, बेटा तो सॉरी सॉरी मम्मी, सॉरी मम्मी, लव यू मम्मी किया। और माँ क्या कहती है, दीदी अभी ना बेटा घर आ गया है, अभी मुझे जाना है, जल्दी निकलना पड़ेगा, बेटा पहुँच गया है। तो क्या है कि वैसे क्या होता, सारा ज्ञान याद आता है जब परिस्थिति प्रतिकूल होती है, जब वहाँ से प्यार नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही, सुख नहीं मिल रहा, तो बाबा के प्यार सुख शांति की अप्रिसिएशन होती है। लेकिन जैसे ही वहाँ से मिलने लगेगा है ना, तो फिर बाबा का प्यार सुख शांति भूल जाता है। इसीलिए बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो कब याद करते हैं बाबा को, दुख के समय, है ना। लेकिन बाबा को याद कब करना है, सदा। जब बाबा को सदा याद करेंगे तब शक्ति का स्टॉक भरेगा, तब आत्मा पवित्रता, शांति, सुख, स्नेह से भरपूर होगी। ऐसे दुख के समय याद करने से एक तो आत्मा दुख के समय उस देही और देह की दुनिया के चिंतन से ही नहीं छूट पाती, तो कहाँ वो बाबा की याद में झोली भरेगी। और दूसरा है कि ऐसे कभी कभी बाबा को याद करने से कोई आत्मा में शक्ति नहीं भरते। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि अब से अब ये बात समझना, ये बुद्धि से हमें क्लियर रखना पड़ेगा कि वास्तव में मेरा एक बाबा ही है, और भले ही मुझे हर तरफ से प्यार मिल रहा हो, सुख मिल रहा हो, शांति मिल रही हो, कुछ भी मिल रहा हो, लेकिन उस विनाशी को समझ कर, परख कर कि मिल रहा है पर विनाशी है, और उसके चक्कर में ना पड़कर मुझे एक बाबा की याद के बल से भरपूर बनना है। क्योंकि चक्कर ऐसा होता है कि आत्मा का जो समय, संकल्प, तन, मन, धन जो लिमिटेड है ना, वो सीधा उस विनाशी के चक्कर में ख़त्म हो गया। तो बाबा को याद करने की या मुरली का मनन चिंतन करने की ताकत ही कहाँ रहती, या समय संकल्प फ्री ही कहाँ है आत्मा के लिए। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि रियलाइज़ करना पड़े कि सब कुछ अच्छा भी है तो भी विनाशी है, है ना। सिर्फ जो बुरा है वो नहीं, आप देखो कोई कोर्स करने आते हैं, हमें कहते हैं सास बुरी है, पति अच्छे हैं, तो हम सास के संदर्भ में ज्ञान सुनाते हैं, क्योंकि पति के संदर्भ में ज्ञान सुनाई नहीं दे रहा है अभी। पति तो अच्छे हैं। लेकिन वास्तव में ज्ञान जो है वो ऐसे समझना पड़ता है कि जो अच्छे हो या बुरे हो वो विनाशी है। तो जब ये बात समझ आए तब आत्मा अनुकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में, सुख के समय, दुख के समय, हर समय बाबा की याद पर अटेंशन देकर याद का बल भरे। और जब याद का बल आत्मा भरेगी तब तो जाकर किसी भी परिस्थिति में आत्मा है, लेकिन इस प्रीत बुद्धि के कारण अंत काले उसको विजयंती का वर्षा मिलेगा। तो बाबा कहते विनाश काले वही विजयंती रहेंगे जो सदा प्रीत बुद्धि होकर चलेंगे। तो ये बात आज बाबा हमें क्लियर कर रहे हैं। और प्यारे बाबा आज हमें समझाते हैं संकल्प की शक्ति, है ना। अपने संकल्प को, व्यर्थ संकल्प को 1 सेकंड में ब्रेक लगाकर शक्तिशाली संकल्प को दृढ़ता से रच सके, ठीक है। अब देखो सारे दिन में कितनी सारी बातें आती हैं,
और उनमें व्यर्थ संकल्प चल भी पड़ते हैं। लेकिन एक तो हम अंतर्मुखी रहें और हमेशा अपने संकल्पों पर नज़र रखें, और फिर जैसे ही व्यर्थ संकल्प डिटेक्ट हुआ तो उसको दृढ़ता से शक्तिशाली संकल्प से रिप्लेस करें। तो बाबा हमें कहते हैं एक एक संकल्प हमारा भाग्य बना देता है ना। आप देखो, मुझे एक कुमार ने बहुत अच्छी बात सुनाई। वो पढ़ता था वो भाई, तो मुझे कहता कि जब मैं ज्ञान में आया तो मैंने एक ही बात सीखी कि अपने संकल्प को श्रेष्ठ और शक्तिशाली रखो। पहले ना मैं पढ़ता रहता था और मेरे संकल्प क्या चलते थे, 3 बार हुआ नहीं, अभी भी क्या होगा, है ना, पेपर बहुत टफ आता है, आजकल कंपटीशन बहुत हो गया है, आजकल तो मेरी तो भाषा भी इतनी ठीक नहीं है, पढ़ भी लूँ तो भी लैंग्वेज में मार खा जाऊँगा। तो इस प्रकार के मेरे बहुत संकल्प चलते थे। तो मुझे ये बात समझ में आई कि कर्म हम कौन सा कर रहे हैं, पढ़ने का और पास होने का, लेकिन मेरे संकल्प और कर्म में तालमेल नहीं है। कर्म में पास होने का कर रहा हूँ और संकल्प में फेल होने के रच रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, उस संकल्प को बार बार स्टॉप एंड चेंज, है ना, SOS कहते हैं, स्टॉप ऑब्जर्व एंड शिफ्ट, ठीक है। तो हमेशा अपने आप को स्टॉप करके चेक किया और फिर उस संकल्प को बदला। जैस जो भी संकल्प मेरे अंदर चल रहा हो, मैं एक ही संकल्प से उसको चेंज करता था, मेरी विजय निश्चित है, मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मेरी विजय निश्चित है। और जैसे जैसे वो संकल्प को बार 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 शिफ्ट करता गया तो संकल्प भी स्थिर हो गया और उसकी विजय भी बहुत जल्दी हुई, उसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी निकला। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि एक एक संकल्प का कितना महत्व है, चाहे वो किसी परिस्थिति के प्रति हो, चाहे किसी किसी गोल के प्रति हो, चाहे वो किसी संबंध के प्रति हो, किसी आत्मा के प्रति हो, लेकिन हमारे संकल्पों में जो व्यर्थ और समर्थ का एक कॉम्बिनेशन चलता है ना, आधे टाइम 90% टाइम व्यर्थ और कभी कभी नहीं नहीं पवित्र आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, ऐसे थोड़ा थोड़ा भेज देते, तो इस प्रकार से नहीं चलेगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमेशा उस संकल्प को इतना शक्तिशाली बनाना है कि वो संकल्प किले का काम करे। जैसे कोई कमज़ोर भी होता है लेकिन किले के अंदर सेफ होता है, तो ऐसे कोई आत्मा अगर कमज़ोर भी है, उसके अंदर कोई अवगुण भी है, तो भी आपके श्रेष्ठ संकल्प के किले के अंदर उसकी सेफ्टी हो जाएगी। तो ये भी बाबा हमें बहुत अच्छा है ईश्वरीय नियम समझाते हैं। अच्छा, ओम शांति।